हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नीट क्लासेस में। क्या आप भी चाहते हैं कुछ इस तरीके से अपने एमएस वर्ड में कोई भी एक्सेल क्रिएट करना, या कोई भी एक्सेल सीट क्रिएट करना, या कोई भी इंसर्ट करना टेबल को, छोटा मोटा टेबल कोई भी आपको इंसर्ट करना है, या डायरेक्टली आप एक्सेल से कोई भी सीट इंसर्ट करना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड में, तो कैसे करेंगे? इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही आसान लैंग्वेज में कैसे आप अपने एमएस वर्ड में किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यू पेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करके, एक छोटा सा ओपन नहीं, सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों मेरा क्या हुआ, एक मैंने नया पेज ओपन कर चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक नया पेज ले लिया है। अब यहाँ पे चाहते हैं कोई भी एक टेबल क्रिएट करना, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने दोस्तों पहले ही एक नया वीडियो बना चुका था, जिसमें मैंने इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन टैब, सारे टैब्स के बारे में बहुत ही आसान लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया, सारे चीज़ों के बारे में बता दिया है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाइए, मैंने एमएस वर्ड के बारे में बहुत ही क्लियर से हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर दिया, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको आना है। जब भी आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट से याद करिएगा इंसर्ट टैब, यानी कि हमको टेबल क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में आइएगा। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे हमारा सबसे जस्ट सामने टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। इसका काम ही होता है भाई टेबल को इंसर्ट करना, यानी कि कोई भी नया टेबल निकालना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट आइकन क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपके टोटल दोस्तों 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है इंसर्ट टेबल, दूसरा होता है ड्रॉ टेबल, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और फिर होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, और पांचवा होता है क्विक टेबल। तो इन सारे पांचों चीज़ों के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमको ये जानना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली टेबल इंसर्ट करें, यहाँ पे चाहते हैं कि हम 2x3 का अपने स्क्रीन पे एक टेबल इंसर्ट कर लें, तो इसके लिए दोस्तों आप सिंपली यहाँ से जितनी की आपको जरूरत हो, जितना आपको जरूरत हो उतने हिसाब से आप टेबल यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो आपने देखा कैसे हम टेबल को इंसर्ट कर लिया, कितना सिंपल तरीका होता है टेबल को इंसर्ट करना। इसमें आपको जो भी नंबर्स लिखना है, जैसे SR नंबर आगे लिख दीजिए, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, ऐसे आप जो भी लिखना चाहते हैं डायरेक्टली आप लिखते रहेंगे, हर एक सेल में ऑटोमेटिक लिखता रहेगा। तो ये होता है हमारा टेबल सिंपल तरीके से इंसर्ट करने का। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपने हाँ मतलब एक तरफ से काउंटिंग करके हमको 3x4 टेबल चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों सिंपली टेबल्स पे आना है, यहाँ पे ड्रॉ टेबल का आइकन होता है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप ड्रॉ टेबल पे आइकन पे क्लिक कर देंगे, आप जितने हिसाब से बनाना चाहते हैं उतने हिसाब से आप टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको जरूरत हो उतने हिसाब से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, अपने एकदम नॉर्मल तरीका होता है। जैसे आपको जरूरत हो वैसे आप इंसर्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का टेबल में, कुछ इस तरीके का, आप अपने हिसाब से इंसर्ट टेबल पे जाके अपना एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने हाथ से आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि इंसर्ट में एक हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है यहीं पे नीचे, जस्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि आपके पास कुछ मैटर्स है और उस सारे मैटर्स को आप चाहते हैं टेबल्स में कन्वर्ट करना, यानी कि जैसे कि आप 2-3 मैटर लिखे हुए हैं तो उस मैटर को चाहते हैं टेबल्स में भेजना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या करना आता है, सिंपली दोस्तों इस वाले ऑप्शन को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। इंसर्ट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे नंबर, कॉलम, रोज का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, 10x2 का हमको टोटल टेबल चाहिए, यहाँ पे इस कॉलम जितनी चाहिए उतनी लिख दीजिए और रो जितना चाहिए उतना, मैं 4 रो चाहिए और 10 कॉलम चाहिए, और ओके कर दिए, तो आपके पास 10x4 आ जाएगा। 4 हमारे पास ये रो हो गया और हमारे पास 10 टोटल यहाँ पे कॉलम दे दिया है। आप कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर कॉलम और रो में, जो ये हमारी पतली पतली लाइन है इसे हम कहते हैं रो, और जो हमारी ये है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो 10x4 का हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इंसर्ट करना है उस तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैटर को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिख दिया अमन, फिर टैब का यूज किया 2-3, और फिर लिख दिया शुभम, फिर एक दो टैब दीपक। अब हमारे पास 3 वर्ड, हम तीनों वर्ड को चाहते हैं कि टेबल में इंसर्ट करना, तो सिंपली दोस्तों तीनों वर्ड को सेलेक्ट करना है, टेबल्स पे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हाईलाइट हो चुका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर्स आप कॉलम कर देंगे 6,
और यहाँ पे 1 या जैसे करना है अपने हिसाब से 6-1 जितना चाहिए उतना करके ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा है डायरेक्टली देख सकते हैं हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 बार टैब का यूज किया था, 2 स्पेस छोड़ के यूज किया है। शुभम के बाद 1 बार टैब यूज किया था, 1 स्पेस छोड़ के यूज किया। जितनी बार आप टैब का यूज करेंगे उतना स्पेस छोड़ के यूज करेगा। अगर आप टैब का यूज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे शुभम है तो पहले यहाँ पे शुभम लिखेगा, फिर यहाँ पे आपको दीपक लिख देगा, तीन ही टैब में सारा फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप आसान तरीका से कोई भी मैटर आप पहले से लिख चुके हैं उस मैटर को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे आकर टेबल्स में आके उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज बहुत ही नॉर्मल होता है दोस्तों। सिंपली एक्सेल स्प्रेडशीट का क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली एक्सेल का जो पेज होता है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसका आप यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला सेम प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं। जो आपको प्रॉपर्टी एक्सेल पे मिलती है वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी और बहुत ही आसानी से आप उसका पूरा वर्क आसान तरीके से उठा सकते हैं। तो ये नॉर्मल होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने एक्सेल का भी पूरा स्प्रेडशीट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल्स के जस्ट नीचे होता है लास्ट में हमारा क्विक टेबल्स, यानी कोई भी आपको जस्ट में कोई टेबल चाहिए जैसे इंसर्ट करना है भाई हमको दिसंबर का टोटल कितने मंथ है कितने डेट है वो लेना है, या आप जो भी टेबल क्रिएट कर लीजिए और इसे आप लाकर क्विक टेबल्स में सेव कर देते हैं। जैसे कि हमको फोन्स में ऑटो मैसेज करना रहता है तो फटाक से हमने ऑटो मैसेज पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हमारे पास आबिल कॉल लेटर बैग ना ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं उसे हम सेंड कर देते हैं। वैसे आप कोई भी टेबल्स को क्विक टेबल्स में ला के सेव कर देते हैं तो आपको जब भी जरूरत होती है उस टेबल को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ये जो भी चीज़ बना हुआ है ऑलरेडी सिस्टम में है और इस ऐसे आप भी बनाकर आप चाहते हैं डायरेक्टली इंसर्ट कराना तो आप क्विक एक्सेस टेबल से ला के इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है टेबल इंसर्ट करना। इसमें कुछ सेटिंग्स होती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल्स इंसर्ट कर लिया, अब इस टेबल्स को चाहते हैं हम बड़ा करना, तो बड़ा करने के लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर्सर जैसे था बड़ा हो जाता है, मतलब ऐसे एरो मार्क बन जाता है, इसे आप पकड़ के जितना करेंगे उतने साइज का हो जाएगा। पतला करना पतला, मोटा करना मोटा, चौड़ा करना चौड़ा, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप आसानी तरीके से अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे डिजाइन में हेडर रो को दिखाना, टोटल रो को दिखाना, तो ये भाई दिखाना तो जैसे वो सेटिंग उसको ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं तो मोटा है, डीम करना चाहते हैं तो डीम करना है। अगर आप ऐसे तरीके से मतलब जिस मॉडल में आप लेना चाहते हैं यहाँ पे अंडरलाइंस वो सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको यूज करना है यूज कर लीजिए। सेटिंग कौन सा कलर देना चाहते हैं, जो कलर जिस मान लीजिए हम इस कर्सर में है और इस कर्सर का सेटिंग हम देना चाहते हैं रेड, तो आप रेड दे सकते हैं। मतलब जिस कर्सर में है जिस पॉइंट पे आप कर्सर उस पॉइंट पे जो कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग का यूज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं सारे हमारे बॉर्डर का जिस पे आपको क्लिक करेंगे उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉर्डर का स्टाइल डायरेक्टली चेंज होते रहा, देख सकते हैं जिस आइकन पे क्लिक करेंगे उसका बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो मॉडल लेना है ले सकते हैं। पेन कलर क्या चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर देना चाहते हैं मान लीजिए हम ये सारे ऑप्शन पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं जो ऑटोमेटिकली पहले से बॉर्डर है ही। लेआउट ऑप्शन पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिल जाता है, आप ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हैं कि नहीं, जो देख सकते हैं दोनों हमारे ग्रिड लाइंस हाईलाइट और ऑफलाइन हो रही है। साथ में ड्रॉ टेबल करना है तो मैंने पहले ही बता दिया। इंसर्ट टेबल करना है मान लीजिए इसके हम एक और ऊपर यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक और इंसर्ट टेबल हो जाएगा। अगर आपको इसके नीचे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे हो जाएगा। अगर आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे तो राइट हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना, एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना बीच से, या पर्टिकुलर एक कॉलम को डिलीट करना बीच से, तो इसके लिए दोस्तों सिंपली क्या करना रहता है, सबसे पहले मान लीजिए इस वाले रेड वाले आइकन को हमको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने बाद डिलीट वाले बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पर डिलीट सेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सेल ही डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं एक सेल यहाँ से कम हो गया और ये सेल डिलीट हो गया। इस तरीके से आप अपने टेबल्स को डिलीट करना चाहते हैं टेबल्स पे क्लिक करिए, रो को किस डिलीट करना तो उस वाले आइकन पे क्लिक करिए उस वाले लाइन पे और वो सारी रो को डिलीट कर देगा। ऐसे आप डिलीट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी भी कॉलम्स का किसी भी सेल का हाइट और विड्थ कम बेसी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, जितनी आपको जरूरत हो उतना कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। देख सकते हैं मैंने 022 यूज किया था, 022 ऑटोमेटिक हो जाता है। इस तरीके से आप अपने सेल का विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात ये आती है हमारी अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का हमने बहुत ही आसानी से डिस्कस किया था होम टैब में, यहाँ पे देख सकते हैं जो अलाइनमेंट ये सारा चीज मैंने कैसे मैटर को सेंटर में करते हैं, लेफ्ट में करते हैं, राइट में करते हैं, उन्हीं सारी चीजों का यहाँ भी यूज है अलाइनमेंट में, कैसे अपने मैटर को सेंटर में करते हैं लेफ्ट राइट, ये सारा चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप होम इंसर्ट डिजाइन
पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू डिजाइन, सारे टाइप के बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लेंगे और समझ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे और इंटरेस्टिंग नॉलेज पाने के लिए और भी कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए आज ही से और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल वाला आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।